नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, काउंसिलर हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है, केड़कर हॉस्पिटल, जो अकोला में है। मैं खुद एज अ साइकियाट्रिस्ट पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ एज अ साइकियाट्रिस्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले विदाउट टेकिंग मेडिसिंस, और वो टिप्स कौन सी है जिससे हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं और हमको डिप्रेशन हो ही ना। जो अगला टिप है मैं बताने वाला हूं डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, वो है गेटिंग अवे फ्रॉम फियर ऑफ फेलियर। बहुत लोगों को ये डर लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, अगर मैं फेल हो गया तो मैं फेलियर से बाहर नहीं आ पाऊंगा। तो मेरा ये बोलना है कि आप ये जो डर बैठा है ये आप पूरी तरह निकाल डालो। पहली बात तो एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। एक्शन से दो चीजें हो सकती है, एक तो आप सक्सेसफुल होंगे या आप फेलियर होंगे। अगर आप फेल भी हुए तो हमने ये बुरा नहीं मानना है कि मैं फेल हो गया हूं। क्यों? क्योंकि फेलियर हमें सिखाता है कि हमें राइट स्टेप कैसे लेनी है, नंबर वन। और नंबर टू, आज पूरे लाइफ में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, आप किसका भी नाम लो, वो पहले कुछ इंस्टेंसेस में फेल हुए ही है। लेकिन फेलियर के तरफ लोगों ने कुछ देखा नहीं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और आज वो शिखर पे पहुंच गए, टॉप पे पहुंच गए। इसलिए अगर आप फेल होते भी है तो हमने डरना नहीं है, उसका फियर नहीं रखना है और आगे कदम लेते जाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। सेकेंड है इंटरनल डायलॉग। जब हम डिप्रेस हो जाते हैं, निराश फील करते हैं, उदास फील करते हैं, तो हमारे ब्रेन में कंटिन्यू इंटरनल डायलॉग चलते रहता है। जैसे मैं आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं इन्फीरियर हूँ, मैं फेल ही होने वाला हूँ, मैं सक्सेसफुल हो नहीं सकता, मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, मुझे कोई अप्रिशिएट करता नहीं है, मुझे कोई थैंक यू नहीं बोलता है, मेरे में सेटिस्फैक्शन नहीं है। ऐसे अलग अलग प्रकार के थॉट्स, इंटरनल डायलॉग्स दिमाग में चलते रहते हैं। हमारा ब्रेन उसको कंटिन्यू जनरेट करता है और वो जनरेट होने के कारण हम कोई भी एक्शन नहीं ले पाते और वहीं हम गलत हैं। क्योंकि अगर हम इंटरनल डायलॉग हमारा स्ट्रांग बनते गया तो हम धीरे धीरे एक्शन लेना बंद कर देते हैं और फिर लाइफ बिकम्स अ डेड एंड। इसीलिए अगर हमें इंटरनल डायलॉग आता भी है, थॉट्स जनरेट होते भी है, लेकिन फिर भी हमने इंटरनल डायलॉग को पीछे रखकर, मतलब हमारे थॉट्स का न सुनते हुए, हमने एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। अगर हमें इंटरनल डायलॉग्स आते भी है तो हमने उसका सुनना नहीं है, क्योंकि इंटरनल डायलॉग्स आर नॉट रियल, इंटरनल डायलॉग्स आर फेक, क्योंकि उसको ब्रेन जनरेट करते रहता है और वो सच नहीं होते। इंटरनल डायलॉग्स अराइज बिकॉज ऑफ पास्ट, नॉट बिकॉज ऑफ फ्यूचर। हमने इंटरनल डायलॉग्स हमारे पास्ट में रख देने हैं और हमने एक्शन लेते जाना है जिसके वजह से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए इंटरनल डायलॉग अच्छा रखना और इंटरनल डायलॉग जो है, निगेटिव इंटरनल डायलॉग्स है, उसकी सुनना नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट टिप है वो है स्ट्रेटजी मेकिंग। जब हमें डिप्रेशन आता है तो हमने ये देखना है कि हमारी आगे की स्ट्रेटजी क्या है। बहुत लोगों से मैं बात करता हूँ डिप्रेशन के, वो बोलते हैं कि हमें अंधेरा दिखाई दे रहा है, हमें आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि आपका स्ट्रेटजी तैयार करो, कल का स्ट्रेटजी, 1 महीने का स्ट्रेटजी, 1 साल का स्ट्रेटजी, ताकि आपको समझे कि आपको ये डिप्रेशन से उभरना कैसे है और आपको आपके लाइफ में करना क्या है। बहुत सारे बड़े बड़े जो योद्धा थे, लीडर्स हो चुके हैं, सभी लोग जब डाउन गए, जब फेल हुए, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे आगे की स्ट्रेटजी क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटजी मेकर थे वो थे शिवाजी महाराज। जब भी उनको कोई फेलियर आता था तो वो बैठ के अपने लीडर्स के साथ एक स्ट्रेटजी बनाते थे कि आगे अपने को अभी जो लड़ाई है वो कैसे लड़नी है और उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसका पूरा जो प्लान है वो क्या है। जब आप स्ट्रेटजी बनाएंगे कि मुझे अगर मैं फेल हो गया हूँ तो मेरे अगले मंथ में मैं पढ़ने कैसे वाला हूँ, अगर मेरा डिवोर्स हो गया या ब्रेकअप हो गया है तो मैं आगे क्या करने वाला हूँ, क्या मैं नए रिलेशन जोड़ूंगा या पुराने रिलेशन से पैचअप करूंगा। इसलिए स्ट्रेटजी तैयारी करना, स्ट्रेटजी तैयार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है मेरा तीसरा टिप। और जो फाइनल टिप है जो ये वीडियो में बताऊंगा वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब हमने हमारे लाइफ में हमको जो जो चाहिए पॉजिटिव, वो चीजें इमेजिन करनी है, उसका चित्र ड्रॉ करना है हमारे आंखों के सामने और कंटिन्यू उसके बारे में सोचना है, उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन
डिप्रेशन में बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि डिप्रेशन में अंधेरा हमारे दिमाग में रहता है, निगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में रहते हैं, तो वो निगेटिव थॉट्स को बाजू में रखकर हम अगर पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करते हैं, पॉजिटिव विचार करते हैं कि हाँ मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ, मेरे लाइफ में उजाला आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, अगर हम कंटिन्यूअसली विजुअलाइज करते हैं तो हम धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। क्योंकि जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमारे ब्रेन को पॉजिटिव इम्पल्सेस मिलते हैं और फिर हम उस तरह से एक्शन लेना चालू कर देते हैं। इसलिए विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको डिप्रेशन लगे, उदास लगे, निराश लगे, तो अच्छे से अच्छा विजुअलाइज करना, इमेजिन करना, पॉजिटिव इमेजेस दिमाग के सामने लाना आंखें बंद करके, तो आपको ध्यान में आएगा कि आपके सामने एक्शंस ओपन अप हो रही है। इसलिए विजुअलाइजेशन दिन में 2 बार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये घर पे कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, आंखें बंद करके अगर आप लेटे और अपने पूरी लाइफ जो आगे होने वाली है वो विजुअलाइज की, तो आपको इससे डेफिनेटली फायदा हो सकता है। आपने ये जानना बहुत जरूरी है कि विजुअलाइजेशन हमेशा पॉजिटिव चीजों का ही करना चाहिए, निगेटिव चीजों का विजुअलाइजेशन करना नहीं चाहिए। जितना आप अच्छा विजुअलाइज करेंगे उतना फास्ट आप आपके टारगेट की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये थी कुछ टिप्स डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। मैं आगे भी आपको टिप्स बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आगे का वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।